नमस्कार, मैं भाग्यश्री। एनबीसी न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। शहर के कस्तूचंद पार्क पर कुछ दिनों पहले खुदाई के दौरान अंग्रेज के जमाने के लोहे के तोहफों का जखीरा मिला। उक्त जखीरा मीठा नीम दरगाह चौक के अंतर्गत आने वाली मध्यवर्ती संग्रहालय में रखे गए हैं, जिसे देखने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। नागपुर शहर का ये वही मध्यवर्ती संग्रहालय है जहां पर ऐतिहासिक धरोहर बनी चीजें बड़ी सुंदरता के साथ संवारी गई है। पुरातन काल के तमाम ऐसी चीजें यहां पर देखने पर्यटक अक्सर आते हैं। मध्यवर्ती संग्रहालय में इस बार का मुख्य आकर्षण अंग्रेजों के जमाने के तोहफे है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये चार तोहफे और दो लोहे के मस्टर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले शहर के कस्तूचंद पार्क से खुदाई के दौरान ये तोहफे निकाले गए। कई वर्षों तक मिट्टी तले दफन हुए इस तोहफों पर मिट्टी और थोड़ा सा जंग लगा हुआ देखा जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सन 1760 से 1820 के दौरान इंग्लैंड के किंग जॉर्ज III इनके शासन काल में इन तोहफों की निर्मित की गई थी। ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पांव पसारे थे। नागपुर में हम सब जिन्हें कस्तूचंद पार्क के नाम से जानते हैं, लेकिन उस दौर में कस्तूचंद मैदान के अर्सलेशन मैदान के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों की युद्ध की पूरी सामग्री जैसे शस्त्र, बारूद और ये तोहफे रहा करती थी। भारी भरकम वजन होने से अंग्रेजों ने तोहफे वही छोड़कर चले गए थे। मिट्टी और पानी से ये तोहफे जमीन के नीचे चली गई थी। अब बाहर आने से अंग्रेजों के जमाने में जैसे इसकी सुंदरता थी, वैसे ही सजावट करने का काम किया जाएगा। ऐसी जानकारी मध्यवर्ती संग्रह का सहायक अभिरक्षक विनायक निहरकर इन्होंने दी है। मैं गजानन सोमकुवर, मैं वर्धा जिले से आया हूँ। अभी जो एक न्यूज आई थी, पेपर में न्यूज आई थी कि तोहफे जो है ब्रिटिश कालीन तोहफे जो मिले थे वो देखने के लिए मैं खास यहाँ पे आया था, लेकिन बात ऐसी है कि वैसे कोने में वो पड़ी है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उसको कहीं तो भी अच्छी जगहों पे उसको रखना चाहिए, ये मेरी एक ये है। दोनों की ये। सर मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ और मैं तोहफे ही देखने आया था, मैंने पेपर में पढ़ा था, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं, मौजूद नहीं है। और अंग्रेजों के समय की कुछ हथियार हैं कि जो कि बंदूकें हैं और कुछ प्राणियों के अवशेष हैं, वो भी बहुत अच्छे से संरक्षित रखे हुए हैंगे, लेकिन जो तोहफे थी खासकर वो बिल्कुल एकदम कोने में फेंक दिया गया, रद्दी बना दिया गया उसको, ताकि लगाई आप ताकि हम लोग अपने बच्चों को और आने वाले भविष्य में दिखा सके अंग्रेजों के शासनकाल की चीजें कि भाई बंदूकें कैसी हुआ करती थी और गोवा राजा के समय के भी बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं रखी, हथियार रखे हुए हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं यहाँ पे देखने लायक है जो कि हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने यह सही फरमाया है कि अंग्रेजों के जमाने के जो तोहफ है वो यहाँ पे लाए गए हैं, एक जगह पे रख दिया गया है, मगर उसके ऊपर में कुछ अच्छा काम भी होना बाकी है, इसलिए एक जगह पे रखा है। कुछ दिन के बाद उसका अच्छा काम काज जैसे हो जाएगा फिर दर्शकों के लिए खुले तौर पर वो रखना शुरू कर देने वाले। एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? श्रद्धा। श्रद्धा, आज आप यहाँ पे आए हो, क्या देखे आपने? डायनासोर और चीता और मछली और टॉप, और मैंने देखी हूँ बाहुबली के कपड़े और तलवार और डायनासोर। कैसा लगा ये देखने के बाद? अच्छा। अच्छा लगा। आप कौन सी कक्षा में हो? कक्षा का मतलब यूकेजी। अच्छा, कहाँ, कौन से गाँव से आप? जबलपुर। जबलपुर के रहने वाले छोटी सी नन्ही सी श्रद्धा, इन्होंने ये बताया है कि जब हम यहाँ अपने परिवार के साथ आए तो हमने ये तमाम जो चीजें थी यहाँ पे देखे। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक बाई और ये मध्यवर्ती संग्रहालय है जहाँ अब हम आपको अंदर ले चलेंगे और अंदर में किस तरह से ये पुरानी धरोहर को संजोगे रखा है दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट।